सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग कैप प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया है ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का बैकग्राउंड कलर कैसे आप चेंज कर सकते हो। सबसे इजी तरीके दिखाए हैं वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, और मैं आपको जो तरीके दिखाए इस टाइप का आपको काफी सारा रील्स वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर, जिसमें आपको इस तरीके का कलर ग्रेड देखने के लिए मिलेगा, या बोल सकते हो इस तरीके वीडियो का बैकग्राउंड कलर देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक देखना और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ काइनमास्टर पर, और काइनमास्टर पर आने के बाद सिंपली क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे। तो मैं 9:16 को चूज कर लेता हूँ, जो कि इंस्टाग्राम का एस्पेक्ट रेशियो है या रील्स का एस्पेक्ट रेशियो आप कह सकते हो। देन आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो को ऐड कर लेंगे टाइमलाइन पर। तो यहाँ से मैं अपना वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास बहुत सारा वीडियो है, तो यहाँ से मैं वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना एक वीडियो को ऐड कर लिया, और यहाँ से मैं अपना दूसरा वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ। सो चलो, ये मैंने अपना दूसरा वीडियो ऐड कर लिया। अभी आपको राइट साइड के कॉर्नर पर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से मैं आपको दोनों वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो हमारा सबसे पहला वीडियो, और यह हमारा दूसरा वीडियो, मैं आपको यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो। अभी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेयर, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा इफेक्ट, सिंपली इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एस एस टूर या शॉप का आइकन आ रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। देन अगर आपके फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं है तो प्लीज़ उसको ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एस एस टूर से हमें एक ओवरले इफेक्ट को डाउनलोड करना है, मास्ट आपको डाउनलोड करना ही होगा वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, या रील्स वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। उसके बाद आपको राइट साइड पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपको सिंपली कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सो कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, एंड रियली सॉरी क्योंकि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ से आपको ये जो कलर आइसोलेशन इफेक्ट दिखाई दे रहा है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो कलर आइसोलेशन इफेक्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ पर ये जो इफेक्ट दिखाई देगा इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, और आपको यहाँ पर इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, तो आप भी इसे डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस आइकन मिल रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आ जाना है बैक। देन आप इफेक्ट पैनल पर ढूंढ लेंगे यहाँ पर जो आपने जो इफेक्ट डाउनलोड किया वो कहाँ पर है, जिसका नाम है कलर आइसोलेशन, तो ये रहा। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कलर आइसोलेशन इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन सिंपली कर देना है डन। उसके बाद इस इफेक्ट को अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना, आप चाहो तो दोनों वीडियो पर इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, या आप किसी एक वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हम अपना अलग से ओवरले इफेक्ट यूज़ करूँगा, तो फिलहाल हम कलर आइसोलेशन इफेक्ट को इस वीडियो पर अप्लाई कर लेते। तो हमने पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है सिलेक्ट कलर, सिंपली सिलेक्ट कलर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से ग्रीन कलर को आपको चूज कर लेना है, ठीक है, एंड देन आपको सिंपली कर देना है डन। अभी आपको इसका इंटेंसिटी अराउंड आपको 70 से लेकर 80 के बीच में रखना है, तो मैं 75 का लेता हूँ। उसके बाद इसका जो रिवर्स है पूरा फुल कर लेना है, एंड देन आप देख सकते हो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो काइनमास्टर के अंदर आप इस तरीके से काफ़ी आसानी से कर सकते हो वीडियो का बैकग्राउंड कलर डार्क मोडी, या आप इस तरीके का कलर ग्रेड कर सकते हो। अभी आते हैं हम अपनी दूसरे वीडियो पर, और इसमें आप दूसरा इफेक्ट यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए अगेन आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इफेक्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, आपको अगेन क्लिक करना है एस एस स्टोर के आइकन पर, और दोबारा आपको आ जाना है एस एस स्टोर पर। एस एस स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कलर के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम होगा कलर चेंजर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और इस कलर चेंजर इफेक्ट को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो अगेन इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया, तो आपको भी डाउनलोड कर लेना है, देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको राइट साइड पर क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी लेफ्ट साइड की कॉर्नर पर, और इफेक्ट पैनल पर आपको दोबारा से ढूंढ लेना है कलर चेंजर नाम का जो इफेक्ट हो कहाँ पर है। तो ये रहा, आप देख सकते हो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कलर चेंजर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद सिंपली कर देना है डन। सो अभी आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है लाइक इस तरीके से। देन इसका जो टाइम लाइन है अपनी वीडियो के साथ एडजस्ट कर लेना है, सो मैंने एडजस्ट कर लिया।
अभी आपको क्या करना है, इस इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करना है और इसका कलर ग्रीन को चूज कर लेना है। सो यहाँ से मैंने ग्रीन कलर को पिक कर लिया। अब इसका जो ऑफसेट आ रहा है, आपको इसका जो वैल्यू है 75% कर लेना है अराउंड। सो आई गेस 75% सही रहेगा, तो इसे कर देते 75 परफेक्टली। ओके, तो इसको हमने कर लिया 75, और ह्यू का जो वैल्यू उसको हमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है सबसे पहले। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है, और इसके जो सेटिंग में आपको भी दिखाया था, ह्यू का जो वैल्यू आप जितने बार चेंज करोगे आपकी वीडियो का बैकग्राउंड कलर उतनी बार ही चेंज होते जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सो आप देख सकते हो वीडियो का जो बैकग्राउंड कलर है चेंज हो रहा है। सो इसको हम रखते हैं, ठीक है, ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे हिसाब से। उसके बाद इसे कर देते हैं डन। सो अभी आप देख सकते हो हमारे इस वीडियो का बैकग्राउंड कलर इस टाइप का कलर गाइड हुआ है, यानी चेंज हुआ है, और हमारा जो दूसरा वीडियो है वो कुछ इस तरीके का जो है कलर गाइड हुआ है, यानी कि इसका कलर चेंज हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप जो ट्रेंडिंग रील्स वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अभी हमें अपनी वीडियो को सेव करना है, तो इसके लिए इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज करेंगे 1080p, फ्रेम रेट आप यहाँ से चूज करेंगे 30 fps। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो डायरेक्टली आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।